T20 वर्ल्ड कप की जीत के बाद सभी को भारतीय टीम के भारत लौटने का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन बारबाडोस में आए तूफान की वजह से भारतीय टीम के आने में देरी हो रही है। सभी खिलाड़ी अपने होटल में बंद हैं, लेकिन बारबाडोस से आई एक नई रिपोर्ट की माने तो भारतीय टीम गुरुवार की सुबह दिल्ली पहुंच सकती है। आपको बता दें कि पहले भारतीय टीम को सोमवार को भारतीय समय अनुसार रात 8:30 बजे बारबाडोस से रवाना होना था, लेकिन बारबाडोस में आए तूफान के कारण भारतीय टीम की वो फ्लाइट रद्द कर दी गई। बारबाडोस में आया तूफान ग्रेड 4 में बदल गया था। जानलेवा हवाओं और खतरनाक तूफानी लहरों के लिए पूरे टापू पर चेतावनी भी जारी कर दी गई थी, और इसी के चलते सभी एयरपोर्ट और पूरा आइलैंड भी बंद कर दिया गया था, जिससे भारतीय टीम भी पिछले 2 दिनों से बारबाडोस में ही फंसी हुई थी। आपको बता दें कि BCCI के प्रबंधक ने खिलाड़ियों को घर पहुंचने के लिए प्राइवेट प्लेन या यूं कहें कि चार्टर्ड फ्लाइट की भी व्यवस्था करने की कोशिश की, लेकिन एयरपोर्ट बंद होने के कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था। बारबाडोस की मीडिया की माने तो तूफान के गुजरने के बाद हवाई अड्डे पर कोई नुकसान की जानकारी नहीं है। हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने बारबाडोस टुडे को बताया कि हमें बस यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि जब हम इंस्पेक्शन करें तो सब कुछ साफ और सुरक्षित हो, ताकि हम अपने सभी पैसेंजर्स का स्वागत कर सकें, क्योंकि जैसा कि हम समझ सकते हैं अधिकारियों के द्वारा सब कुछ ठीक बताए जाने के बाद हमारी टीम को आकर एक बार फिर से इंस्पेक्शन करना होता है, ताकि सभी लोग सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकें। नई रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय टीम जल्द ही चार्टर्ड फ्लाइट से वापस आ सकती है। गुरुवार की सुबह टीम के दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है, जिसके बाद टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगी, और इसी दौरान टीम का विक्ट्री शो भी हो सकता है। पूरा देश भारतीय टीम के लिए आंख बिछाकर बैठा हुआ है। सभी वर्ल्ड चैंपियन टीम का स्वागत करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।